बलिया के हमारे जिलाध्यक्ष भाई अमरेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के सांसद भाई सुशील गुप्ता जी, दिल्ली के हमारे माननीय विधायक और पूर्व मंत्री भाई सोमनाथ भारती जी, पूर्व मंत्री माननीय जितेंद्र तोमर जी, माननीय जगदेव सिंह जी, माननीय विधायक पवन शर्मा जी, माननीय विधायक नरेश यादव जी, हमारे माननीय विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी, ओबीसी कमीशन के हमारे चेयरमैन भूपेंद्र जी, मंडी कमेटी के हमारे चेयरमैन राधेश्याम जी, दिल्ली के हमारे पार्षद रामराज जी और मोती नगर से हमारे विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके कुलदीप चाना जी, इस पूर्वांचल क्षेत्र के अध्यक्ष, इस प्रांत के अध्यक्ष भाई संजीव सिंह जी, रोहेल खंड के हमारे अध्यक्ष निर्मल जी, ब्रिज कुमारी जी जो हमारी अवध प्रांत के अध्यक्ष हैं, नीलम यादव जी जो पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, रोहेल खंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला के अध्यक्ष छवि यादव जी, हमारे साथी हर्ष कालरा जी, मैं सबका नाम इसलिए लूंगा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे साथ सबने मिलकर काम किया है तो थोड़ा समय लगेगा, सबका परिचय होना जरूरी है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा 25 जून से आज तक निरंतर जिन पद यात्री साथियों ने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को पूरा किया है, उन सबको हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। आपके दम पे, आपकी ताकत पे, आपके हौसले पे यात्रा मैं पूरी कर पाया, इसलिए अपने उन सभी साथियों का परिचय आपसे कराना जरूरी है। पूर्वांचल के इस पूरे अभियान को जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर सजोने का काम किया, उनका भी चेहरा आपको जानना जरूरी है। ऐसे हमारे छोटे भाई सत्येन तिवारी जी जो सचिव हैं हमारे, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भाई सभाजीत सिंह कहीं हो तो मंच, यहां मंच पे आ जाए। सभाजीत सिंह जी जो अवध प्रांत की कार्यकारिणी के प्रमुख हमारे साथी हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करके इस यात्रा का पूरा संचालन किया है। हमारे साथी इमरान भाई, दिन रात लग के उन्होंने इस पूरे यात्रा में काम किया। और इसके साथ साथ ये बात बिल्कुल ठीक कही संजीव सिंह जी ने कि आम आदमी, आम औरत का हम लोग नारा जरूर लगाते हैं, लेकिन महिला शक्ति के लिए समय देना, पदयात्रा करना, आंदोलन में, संगठन में काम करना हम लोगों की तुलना में 4 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। 4 गुना ज्यादा इसलिए कि अपने परिवार की जिम्मेदारी को दरकिनार करके, बच्चों की जिम्मेदारी को दरकिनार करके, पति के घर के काम की जिम्मेदारी को दरकिनार करके जो महिला शक्ति हमारे साथ इस यात्रा में चली, मैं उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं एक एक करके सबका परिचय भी कराना चाहता हूं। नीलम यादव जी हमारे साथ यात्रा में रही, ब्रिज कुमारी जी 2-3 दिन ये भी हमारे साथ यात्रा में रही, शिमला श्री जी इलाहाबाद से लगातार यात्रा में रही, निर्मला जी हमारी दिल्ली की महिला शक्ति से हैं, लगातार यात्रा में रही, सुशीला जी जो लगातार यात्रा में हमारे साथ रही, इन सबका जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत कीजिए। ये महिला शक्ति हैं जिन्होंने अपने घर का काम को, घर के काम को भुलाकर भी लगातार साथ दिया और पूरे यात्रा में साथ साथ रही, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस पदयात्रा में कुछ साथी ऐसे थे जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिलती थी। पदयात्रा में चलते तो हम लोग थे, लेकिन जिन लोगों को देख के लगता था कि नहीं थकना नहीं है और आगे चलना है,
उनमें से हमारा एक छोटा भाई है विवेक यादव, मैं उसको जरूर बुलाऊंगा मंच पे। विवेक यादव और आकाश दो लड़के यहाँ पर आ जाए, ये दो देखिए सबसे छोटे हैं पूरी पद यात्रा में जितने लोग चले सबसे छोटे, और हमसे 15 मीटर आगे चलते थे, पर्चे भी बांटते थे, पूरे यात्रा में चले और ईश्वर की ऐसी कृपा है पैर में एक भी छाला नहीं पड़ा, ये ईश्वर की कृपा है लोगों के। इसके साथ साथ मैं कफिल भाई का अगर नाम नहीं लूंगा तो जाति हो जाएगी। कफिल भाई मंच पर आ जाए। कफिल भाई आप ये समझ लीजिए कि इस यात्रा में हम लोग चल जरूर रहे थे लेकिन एक जुनून, एक पागलपन, एक समर्पण अगर किसी साथी के अंदर दिखा तो कपिल भाई के अंदर दिखा। लोगों को रोक रोक के पर्चे देना, उनकी गाड़ियों को रोक के, बसों को रोक के, स्कॉर्पियो को रोक के, गाड़ियों को रोक के, हाथ जोड़ के निवेदन करके, किसानों को, दुकानदारों को, व्यापारियों को, एक एक आदमी को देखे ठीक से चल भी नहीं पा रहे, पैर में इतनी तकलीफ थी, उसके बावजूद मैं ऐसे साथी को नमन करता हूं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और इस पूरी यात्रा में जो साथी हमारे साथ लगातार रहे, बहुत मेहनत किया, मैं चाहूंगा एक एक करके मैं नाम लूंगा, आप लोग खड़े हो जाइएगा अपने स्थान पे। अंजनी कुमार मिश्रा और दत्तू भैया, दत्तू भैया इनका नाम हम लोगों ने दद्दू रख दिया। अंजनी कहाँ है अंजनी? हाँ, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। संजय पांडे प्रचंड इलाहाबाद के हमारे साथी, आकाश सिंह ज्वाला, दिनेश सिंह जी, गोलू सोनकर, पंकज कुमार पांडे, सर्वेश यादव अंबेडकर नगर से हमारे विनय पटेल जी, सौरभ वर्मा जी, राजेंद्र वर्मा जी, फतेहपुर से वसीम अहमद जी, अंगद सिंह यादव जी, आजमगढ़ से अंकुर सिंह जी और विवेक यादव जी यहाँ पर खड़े हैं। और एक नाम और मैं लेना चाहूंगा जो पूरी यात्रा में अपने ओजस्वी विचारों से हम लोगों को जगाते रहे, गाजीपुर से जगनारायण यादव जी, जहाँ कहीं भी है जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। हमारे बीच में सहारनपुर के 70 वर्षीय युवा एक बैठे हुए हैं, 70 साल के युवा इनको कहिए आप, हरपाल किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, पूरे रास्ते साथ में हमारे साथ चले कंधे से कंधा मिलाकर, शैलेश वर्मा जी सुल्तानपुर से, मनोज तिवारी जी इलाहाबाद दक्षिणी से, हरपाल सिंह जी का नाम मैंने लिया सहारनपुर से, और इसके साथ साथ सुल्तानपुर से ही बंसराज दुबे जी, अंकित अनिल कोरी जी, अरविंद यादव जी, प्रमोद सिंह, कासिम अब्बास, बसंत लाल बागी, श्रीमती शिमला सिंह जी का नाम मैंने लिया, ब्रजेश कुमार जी बलिया के, और इन सब के बीच में हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य अगर पंजाब रह जाएगा तो आपकी यात्रा अधूरी हो जाएगी। पंजाब के साथियों ने पहले दिन से 25 जून से लेकर आज तक लगातार साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया। उत्तर प्रदेश का साथ पंजाब के लोगों ने जिस तरह से दिया है इस यात्रा में, मैं पंजाब के लोगों का आभारी हूँ, हृदय से आभारी हूँ। छोटे भाई करणवीर सिंह तिवारा अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, जोरदार तालियां। अतिथि देवो भवो, इनको लगना चाहिए कि हमारे अतिथि के तौर पे ये पंजाब से उत्तर प्रदेश का साथ देने के लिए आए, जोरदार तालियां इन साथियों के लिए बजाइए। जगदीप सिंह जी, संदीप जी, महेंद्र जी, हमारे सरजीवन शर्मा जी, संदीप और गोल्डी, ये सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग और हाथ में हाथ मिला के खड़े हो जाइए सामने। पंजाब की शक्ति हम लोगों के साथ दिखनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो साथियों, राकेश कुमार जी बाराबंकी से, एजाज अहमद हमारे बनारस से, अमन यादव जी जौनपुर से, कफिल भाई का नाम मैंने लिया भदोही से, निर्मला कुमारी जी का नाम मैंने लिया दिल्ली से, प्रेम भाई
हमारे साथी सारे पूरे हो गए कि नहीं हो गए? हैं? उनका नाम सबने ले लिया, मैं क्यों लूं? परिवारवाद नहीं है इस पार्टी में। साथियों, किसी का नाम अगर छूट गया और वो जरूर अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। किसी भी साथी का अगर नाम पदयात्रा के दौरान, अरे कला प्रसाद सोमकर का नाम छूट गया, बताइए चंदौल, ये अटेंडर अगर आपने लिस्ट गड़बड़ बना कर दी है। नहीं 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 अंजनी, ये देखिए कला प्रसाद सोमकर पूरे रास्ते में जोरदार भाषण इन्होंने दिया और इनके भाषण की एक लाइन मुझे याद है, जो मैं दिल्ली में जाऊंगा या कहीं भाषण दूंगा तो जरूर बोलूंगा। बोले मोदिया कहला राल कि पाकिस्तान के टक्कर दे, वो तो शक्कर मंगावा था वहां से, शक्कर टक्कर का दे टक्कर मंगावा था, ये इनकी लाइन थी, अपने अंदाज में बोला इन्होंने। तो साथियों, इकराम भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रह के ताकत देते हैं। इकराम जो पूरी यात्रा में मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पे जिम के ट्रेनर हैं, मुझे ट्रेनिंग देते रहे कैसे चलना है कैसे चलना है कैसे चलना है। और आज एक और खुलासा मैं आपको कर दूं, सत्येंद्र तिवारी और संजीव सिंह की शर्त लगी थी। संजीव सिंह ने कहा था कि संजय सिंह 250 किलोमीटर की यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे और सत्येंद्र तिवारी ने कहा था पूरी कर लेंगे। अजी जीत गए, जो पैसा पाना वो हम लोगों को चार बार मिला देना, ठीक है। साथियों, मैं बलिया के सभी साथियों का हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं, भाई सुशांत जी का, अमरेंद्र जी का, मुकेश भाई का, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने अच्छे ढंग से इस बागी बलिया की धरती पर हमारा स्वागत किया। बिहार के हमारे साथी जो आज हमारा उत्साह वर्धन बढ़ाने के लिए आए, जो 25 जून को हमारे साथ आए, बिहार और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के दो ऐसे राज्य हैं जिनके बगैर केंद्र के अंदर कोई पत्ता नहीं हिल सकता है। इसलिए इस बलिया की धरती पर बिहार और उत्तर प्रदेश का भी आज मिलन हुआ है। हमारे बिहार से भी तमाम साथी आकर आए हैं। मैं चाहूंगा अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और उनके लिए जोरदार तालियां एक बार उत्तर प्रदेश के साथी इनके लिए बजाएं। हम मिलकर बिहार और उत्तर प्रदेश में 130 सीट है लोकसभा की, इस 130 सीट से नरेंद्र मोदी को यह संदेश देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार राजनीति से बेदखल करने के लिए खड़ा हो गया है, क्योंकि आज हम उस धरती पर खड़े हैं साथियों, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती, चित्तू पांडे की धरती, शहीद नंदन पांडे की धरती, भृगु महाराज की धरती, कुंवर वीर सिंह की धरती, वो धरती जिस धरती से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल के दौरान जब आवाज लगाई तो हिंदुस्तान के लाखों नौजवानों ने हिंदुस्तान की जेलों को भरने का काम किया, लाठियां खाई, अत्याचार सहे, लेकिन इस देश के आपातकाल को खत्म करने का काम किया। हमने अपनी यात्रा वाराणसी से शुरू की, वाराणसी की धार्मिक नगरी, ऐतिहासिक नगरी, पौराणिक नगरी, वो नगरी जहां पर स्वर्गीय नाथ नारायण जी ने जन्म लिया था। राज नारायण जी जिस शख्स का नाम है वो शख्स उस राज नारायण जी ने आपातकाल की, जो इंदिरा गांधी जिस आपातकाल को जिन्होंने लगाया था उस इंदिरा गांधी को रायबरेली से 65,000 वोटों से प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव हराने का काम किया था। यह है लोकतंत्र के अंदर आम आदमी की ताकत, यही बात करने के लिए हम लोग आए हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक अलग तरह की राजनीति चल रही थी, आम आदमी का जिसमें कोई स्थान नहीं था। हम जब राजनीति में आए तो हमारी कोई इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की, हम तो कह रहे थे देश की सरकार से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लोकपाल कानून बना दो, इस देश के अंदर अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार करे, मंत्री हो या संत
जेल के अंदर डाल दिया जाए, यही कानून हम मांग रहे हैं। लेकिन राजनीति के करने वाले लोगों ने कहा, कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने कहा, अगर कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो लोकसभा में आओ। हम 2013 के चुनाव में उतरे तो पहली बार ही 2013 के अंदर दिल्ली की महान जनता ने आम आदमी पार्टी का परचम दिल्ली के अंदर लहराने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, 28 सीटें हमारी वहां पर आई। 2015 का चुनाव हुआ तो बोले आम आदमी पार्टी तो 4 आदमी पार्टी हो गई है, आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गई है, अरविंद केजरीवाल को कोई वोट नहीं देगा। लेकिन दिल्ली की महान जनता ने फिर से कहा, हम वोट ही नहीं देंगे, छप्पर फाड़ के वोट देंगे। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आई। इतना बड़ा जनादेश मिला। पहले कहते थे राजनीति में आओ, जब हम राजनीति में आ गए तो भाजपाइयों ने कहा, कांग्रेसियों ने कहा, इनको अनुभव नहीं है सरकार चलाने का। मैंने कांग्रेसियों से कहा, मैंने कहा ठीक कहते हो कांग्रेसियों, हम लोगों को बिल्कुल अनुभव नहीं है 2G का घोटाला कैसे किया जाता है, इस बात का अनुभव अरविंद केजरीवाल को नहीं है। कोयले का घोटाला कैसे किया जाता है, इस बात का अनुभव अरविंद केजरीवाल को नहीं है। विकलांगों की बैसाखी का पैसा कैसे खाया जाता है, इस बात का अनुभव अरविंद केजरीवाल को नहीं है। लेकिन घर घर राशन पहुंचाने के लिए, कानून बनाने के लिए LG से कैसे लड़ा जाता है, कैसे अधिकार दिलाया जाता है, इस बात का अनुभव अरविंद केजरीवाल को है। हमने कहा ठीक कहते हो भाजपाइयों, हमको इस बात का अनुभव नहीं है कि 30,000 करोड़ रुपए लूटकर नीरव मोदी को हिंदुस्तान से कैसे भगाया जाता है। हमको इस बात का भी अनुभव नहीं है कि 2,200 करोड़ रुपए लूटकर लंदन में कैसे ललित मोदी को छोड़ दिया जाता है। अरे हमको इस बात का भी अनुभव नहीं है कि विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान से कैसे भगा दिया जाता है। लेकिन हमको इस बात का अनुभव है कि दिल्ली के अंदर बिजली का दाम आधा कैसे किया जाता है, पानी मुफ्त कैसे किया जाता है, शिक्षा का स्तर दुनिया में नंबर 1 पर बनाने की कोशिश कैसे की जाती है, और मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनाया जाता है। ऐसा मोहल्ला क्लिनिक जिसकी चर्चा अमेरिका में हो रही है, फ्रांस में हो रही है, जर्मनी में हो रही है, दुनिया के तमाम देशों में रिसर्च चल रहा है दिल्ली के काम पर। लोग आज कहते हैं, पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, इन टोपी वालों से सीखो। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, क्योंकि उत्तर प्रदेश को देख के दर्द होता है, मन में पीड़ा होती है, यही हम लोग जन्मे, यही बड़े हुए। लेकिन इस 250 किलोमीटर की यात्रा में जो दृश्य मैंने देखा, आंखें खुल गई। मैं अपने तमाम विधायकों से और हमारे सांसद सुशील गुप्ता जी से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो दर्द इस पूर्वांचल के साथियों ने पद यात्रा के दौरान देखा है, मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, असली हिंदुस्तान को देखना है तो आपको गांव में जाना पड़ेगा, उनके दर्द को देखना पड़ेगा, उनके दर्द को समझना पड़ेगा। कितनी छोटी छोटी समस्याएं, एक कार्यकर्ता हमको मिलता है, मैं मोहम्मदाबाद में, सलीम नाम, पैर से विकलांग था, मिलने आया, कुछ कहना चाहता था। मैंने पूछा कुछ है ना, कोई बात है, बोला नहीं कोई बात नहीं। फिर घोसी तक मेरे साथ चल के आया, रात में फिर मेरे पास आया, मैंने पूछा कोई बात है, कुछ कहना चाहते हो, बोला हाँ कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ, बोले तो तुमसे 20 किलोमीटर पहले पूछा, बोले मेरा एक लाल कार्ड बना था, वो लाल कार्ड SDM ने कैंसिल कर दिया, घर में राशन नहीं है। मेरा अंदर से मन पीड़ित हो गया, दुखी हो गया कि छोटे से राशन कार्ड बनवाने के लिए 20 किलोमीटर वो आदमी विकलांग पैरों से रहते हुए भी मेरे साथ चलकर आया अपनी इस समस्या को बताने के लिए। धिक्कार है ऐसी सरकारों पर जो हमारे गरीबों की समस्याओं की ओर ध्यान नहीं, छोटी छोटी समस्याओं की। किसी का राशन कार्ड नहीं बना तो उसके घर में राशन नहीं,
हमको तो उसका दर्द पता नहीं चलता, क्योंकि हम तो आराम से दिल्ली में, लखनऊ में, अपने घरों में बैठे रहे। हमें नहीं पता चलता कि किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा। रास्ते में एक बहन मिली अपने 3 बच्चों के साथ, कहती एक सिलाई मशीन है, उसी से सिलाई करके हम बच्चों का पेट पालते हैं, आगे कोई सहारा नहीं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे दृश्य हम लोगों ने देखे बहुत नजदीक से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि पदयात्रा करके हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं साथियों, अभी तो ये पदयात्रा की शुरुआत है। अभी से यहां आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश की जमीन पे हमने की है। अभी 5 चरणों में ऐसी पदयात्राएं करूंगा, 5 चरणों में। और बहुत अच्छा संयोग है कि आज बिहार के साथी भी यहां पर आए हैं। बिहार आंदोलनों की धरती, क्रांति की धरती, वीरता की धरती, जेटली की धरती, बिहार, जिस बिहार ने हिंदुस्तान को दिशा देने का काम किया और जिस बिहार ने गांधी जी को भी दिशा देने का काम किया, उस चंपारण की धरती से भी हम लोग पटना तक पदयात्रा करेंगे और बिहार को भी जगाने का काम करेंगे। देश के अंदर काम करना है, मेहनत करनी है। आम आदमी पार्टी में है तो दिन रात परिश्रम करके हम इस पार्टी को खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास गुंडागर्दी नहीं है, हमारे पास धनबल और बाहुबल की राजनीति नहीं है। हम चुनाव में जाति धर्म का डमरू नहीं पीट सकते हैं, इसलिए हमको अपने काम के नाम पर वोट मांगना पड़ेगा। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जो हालत हो गई है कि आप कोई भी समस्या बताइए, तुरंत जाति को लेके आ जाते हैं, धर्म का डमरू बजाने लगते हैं। 60 बच्चे पीआईडी मेडिकल कॉलेज के अंदर बगैर ऑक्सीजन के मर जाते हैं। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हम कन्हैया की जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ योगी जी, हम भी कन्हैया की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाना चाहते हैं, लेकिन पहले ये बताओ कि 40 साल के अंदर 1,20,000 कन्हैया जो दिमागी बुखार से मर गए, उनका जवाब कौन देगा? उनका जवाब दे दो, हम भी कन्हैया की जन्माष्टमी धूमधाम से मनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 साल की, 10 साल की, 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है। आप सवाल उठाइए तो कभी गाय लेके आ जाते हैं, कभी गोबर लेके आ जाते हैं, कभी लव जिहाज लेके आ जाते हैं, कभी एंटी रोमियो लेके आ जाते हैं, हमेशा नकली सवाल पर उत्तर प्रदेश को उलझाए रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है, उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहती है, इस जाति धर्म के डमरू को कूड़ेदान में डालो और अपने मुद्दों के ऊपर राजनीति को लेके आओ। बिजली पर लाओ, पानी पर लाओ, शिक्षा पर लाओ, चिकित्सा पर लाओ, सड़कों पर लाओ, टूटी हुई सड़कें आज उत्तर प्रदेश की कहानी बता रही है। मोहम्मदाबाद से लेकर बरौली तक 40 किलोमीटर हम लोगों ने पद यात्रा की, वहां सड़क थी नहीं, 40 किलोमीटर सिर्फ गड्ढे गड्ढे गड्ढे। विकास का गड्ढा उत्तर प्रदेश में हुआ है, सड़कों का विकास तो नहीं हुआ, विकास का गड्ढा, गड्ढे का विकास जरूर हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी ने कहा था पिछले साल जून में ही हम गड्ढा मुक्त कर देंगे पूरे उत्तर प्रदेश को। सिर्फ जुमलेबाजी करना है, सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ झूठे वादों में लोगों को फंसाए रखना है, आम आदमी को मूर्ख बनाने का काम करना है। आज शिक्षा मित्रों को ठगने का काम इस सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 700 से ज्यादा शिक्षा मित्र या तो अपनी गरीबी के कारण या नौकरी जाने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। साथियों, 700 से ज्यादा शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पीट कर उनको लहूलुहान कर दिया गया जब वो अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों को जब चाहती है सरकार निकाल कर बाहर कर देती है, और बहुत समय से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक विधायक 40 दिन के लिए भी विधायक हो जाता है, एक सांसद 40 दिन 50 दिन के लिए भी सांसद हो जाता है, तो उसको पूरा जीवन पेंशन अगर मिलता है, तो जो लोग 40 साल नौकरी करते हैं उनको पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये कौन सी नीति सरकार की है, मुझे जरा बताइए और मुझे जरा समझाइए। लेकिन पेंशन बंद कर दिया पूरे देश के अंदर।
गंगा मैया का सवाल इस पूर्वांचल में जहां के लोगों के लिए गंगा श्रद्धा आराधना का प्रतीक है, इस गंगा मैया को भी ठगने का काम मोदी जी ने किया। 4 साल पहले आए कि सफाई पे खर्च हुए, लेकिन आज तक गंगा मैली की मैली है। जो लोग गंगा को धोखा दे सकते हैं, जो राम को धोखा दे सकते हैं, वो आम इंसान को कभी भी धोखा दे सकते हैं। उनके चक्कर में मत पड़ना, बहुत उलझाए रखा आपको। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाए। मैंने पूछा कहां बनाओगे, कब बनाओगे, बोले तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर के नाम पे चंदा भी इकट्ठा करते, मंदिर के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा करके उसको भी डकार गए। मैंने तो लाइन बनाई भाजपाइयों के लिए कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। राम को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बेचने का काम किया। तो मैं आज इस बात को कह रहा था संजीव से कि दुनिया में धर्म आया बुराई को मिटाने के लिए, लेकिन भाजपाइयों ने धर्म का इस्तेमाल किया अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए, अपने गुनाहों अपने पापों को छिपाने के लिए। कोई भी गुनाह हो जाए आपकी देशभक्ति पे सवाल उठा देते, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो कहते, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने की बात करते हैं, कहते हैं ताजमहल तोड़ डालो। पूरे दुनिया में आश्चर्य का प्रतीक ताजमहल, मोहब्बत का प्रतीक ताजमहल, भाजपाई कहते हैं ताजमहल इसलिए तोड़ डालो क्योंकि उसको मुगलों ने बनाया। मैंने कहा भाजपाइयों कुतुब मीनार भी तोड़ डालो, उसको भी मुगलों ने बनाया। पार्लियामेंट भी तोड़ डालो, उसको भी अंग्रेजों ने बनाया। राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो, उसको भी अंग्रेजों ने बनाया। जीटी रोड भी तोड़ डालो, उसको भी मुगलों ने बनाया। हावड़ा का ब्रिज भी तोड़ डालो, उसको भी अंग्रेजों ने बनाया। और जिस लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फांसी देते हैं वो भी मुगलों ने बनाया, उसको भी तोड़ डालो। अरे तोड़ने से नहीं, हिंदुस्तान जोड़ने से आगे बढ़ेगा, इस बात को समझ लो। क्योंकि वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सेनाई संकट मोचन के मंदिर में घुसती है। ये वो मुल्क है जहां रस्थान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरा नाम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। वो हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान के अंदर तुम भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हो, हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा दलित सवर्ण 70 साल से इन्हीं चीजों में हमको उलझा कर रखा है। तुमने नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान बनाना चाहते हो। बलिया की इस बागी धरती पर मैं कहना चाहता हूँ साथियों, नफरत की बुनियाद पर जो देश बनने की कोशिश किया, जिस देश के अंदर नफरत फैलाई गई, हिंसा फैलाई गई, आतंकवाद फैलाया गया, वो देश अफगानिस्तान बन गया, तालिबान बन गया, सीरिया बन गया, ईरान बन गया, पाकिस्तान बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहती है और हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदुओं का हिंदुस्तान, मुसलमानों का हिंदुस्तान, सिखों का हिंदुस्तान, ईसाइयों का हिंदुस्तान, अगड़ों का हिंदुस्तान, पिछड़ों का हिंदुस्तान, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान, दलितों का हिंदुस्तान, जिन दलितों के ऊपर तुम अत्याचार कर रहे हो। आज उत्तर प्रदेश में दलित को थाने से परमिशन लेनी पड़ती है अगर घोड़ी पर उसको शादी करनी है। शर्म आती है, 70 साल की आजादी के बाद तुमने दलितों की यह दशा कर रखी है। गुजरात में गरबा में पूछ रखा कर एक दलित चला गया, उसको पकड़ के मार दिया। राजकोट के अंदर एक दलित ने कूड़ा उठाने से मना किया, उसको पकड़ के मार दिया। रोहित वेमुला को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। ऊना के अंदर दलितों को नंगा करके पीटा गया। पूरे हिंदुस्तान में दलितों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अत्याचार करने का काम किया। तो याद रखना, ये ना मुसलमानों के हैं, ना हिंदुओं के हैं, दलितों के नहीं है, पिछड़ों के नहीं है। अरे अब तो गरिया भी कह रहा है कि मेरा इनकाउंटर हो सकता है, तो गरिया भी कह रहा है हमारा इनकाउंटर हो सकता है।
तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा तोगड़िया जी कह रहे हैं हमारा एनकाउंटर होता है, हो सकता है, तो मैंने कहा कभी कभी जहर खुरानी का काम करने वाले लोग खुद से जहर खुरानी का शिकार हो जाते हैं शिकार। यही हालत हो गई तोगड़िया के साथ। तो आज एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है। ठीक कहा सुशील गुप्ता जी ने, ठीक कहा हमारे साथी जितेंद्र तोमर जी ने, हमारे साथी सोमनाथ भारती ने सही बताया, हमारे विधायकों पे आप कार्रवाई करते हो, उनके ऊपर मुकदमे लगाते हो। नरेश यादव हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी हैं, पंजाब में भी हमारे सह प्रभारी हैं, इनके ऊपर मुकदमा लिख दिया वहां की सरकार ने, किस बात का? कुरान जलाने का। इनके क्षेत्र के मुसलमानों ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया कि नरेश यादव जो धनी टेक्सटा में यकीन रखता है वो कैसे कुरान जला सकता है, ऐसे आपके पीछे पड़े हुए 25-25 विधायकों ने मुकदमे लिख के उसको जेल में डाल दिया। ये अखिलेशपति त्रिपाठी बैठे हैं, ये बरी हो गए मुकदमे से। ये सोमनाथ भारती बैठे हुए बरी हो गए मुकदमे से। 14 विधायक 25 में से न्यायालय ने बरी कर दिया, लेकिन मोदी ने उनको पकड़ के जेल में डालने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा डाल देते, शिक्षा मंत्री पे सीबीआई का छापा डाल देते, स्वास्थ्य मंत्री पे सीबीआई का छापा डाल देते, स्वास्थ्य मंत्री की बेटी के खिलाफ 2 साल सीबीआई की जांच चलाते हैं। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, एक नहीं 1000 बार सीबीआई के छापे लगवा लो, केजरीवाल के घर से 2-4 मफलर ज्यादा मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। इस गलत में मत रहना, तुमने गुंडागर्दी का केस चला रखा, न्यायपालिका को नहीं चलने दो। एक जज लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसका क्या, उसके जांच में क्या आया कोई अता पता नहीं। सीबीआई का डंडा विरोधियों के ऊपर चलाओगे, शिवराज सिंह चौहान पे व्यापम का घोटाला होता, सीबीआई कुछ नहीं करती। ललित मोदी और वसुंधरा राजे का नाम आईपीएल में आता है, सीबीआई कुछ नहीं करती। अमित शाह के बेटे का नाम हजारों गुना मुनाफा कमाने में आता है, सीबीआई कुछ नहीं करती। मैंने पूछा अमित शाह के बेटे को ये हजारों गुना मुनाफा कैसे हो गया, बोले धनिया बेच के हो गया, धनिया बेच। अब हमारे बलिया में जो धनिया बेचता है उसको तो 100 रुपए भी नहीं बचता, तुम्हारे बेटे को हजारों गुना फायदा हो रहा है धनिया बेच रहे। कोई चाय बेचने वाला है, कोई धनिया बेचने वाला है। मूर्ख बनाए जा रहे हो देश को, मूर्ख बनाए जा रहे हो। अर्थव्यवस्था को आपने चौपट कर दिया। काला धन, बोले इतना काला धन लाएंगे हर खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। पता चला आपके खाते में तो 15 लाख नहीं जमा हुआ, स्विट्जरलैंड के बैंक के खाते में 2 गुना हो गया काला धन मोदी जी के राज में, वहां पैसा जमा हो गया। कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने कहा मोदी जी अब आपका नारा बदल गया है, खाऊंगा भी खाने भी दूंगा, खिला पिला के जहाज में बैठा के माल्या की तरह लंदन तक पहुंचाने का काम करूंगा। स्कीम बदल गई। चौकीदार कहा था आपने, आपको इस देश का महिलाओं पे अत्याचार की बात कही थी, बोले बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। लाल किले से बोले बेटियों को रात को घर से नहीं जाने देते, बेटों को घर से निकलने देते हो, माँ बाप को मैं शिक्षा देता हूँ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। मुझे लगा प्रधानमंत्री जी बेटियों को लेकर संजीदा, लेकिन जब मैंने उनका बजट देखा तो प्रति महिला की सुरक्षा पर केंद्र की मोदी सरकार मात्र 15 पैसे खर्च करती है। 15 पैसे आप बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, आप कहते हैं हम पाकिस्तान से 10 सर काट के लाएंगे। हिंदुस्तान के लोग इंतजार कर रहे हैं कि 10 सर कब आप काट के लाएंगे। पता चला बिना बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने आप चले गए। इसलिए साथियों, जो लोग आज आपको देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं उनका इतिहास जान लेना, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत को, आदमियत को खत्म करने का काम मोदी जी की सरकार ने चल रहा है।
आपसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। कहा जाता है तुम देशद्रोही हो, मोदी के खिलाफ बोलो तो कहते हैं तुम देशद्रोही हो। मैं याद दिलाना चाहता हूं इनका इतिहास, ये वो लोग हैं जिन्होंने 1929 के अंदर तिरंगे झंडे का लाहौर के अधिवेशन में विरोध किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1937 में टू नेशन थ्योरी की बात की, दो राष्ट्र को दो राष्ट्र का सिद्धांत बनाने की बात की। ये वो लोग हैं जिन्होंने कंधार में मसूद अजहर को छोड़ने का काम किया। ये वो लोग हैं जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पर पकड़ा गया। ये वो लोग हैं जो अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ 3.5 साल तक अफजल गुरु की जिंदाबाद जलाने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो जिन्ना की मजार पर जाकर सस्ता करने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो पठानकोट के अंदर ISI से हमारे शहीदों की जांच का काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर 52 साल तक नागपुर के अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराते। इनसे हमको देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम देशभक्त हैं, थे हैं और रहेंगे। भारत माता की जय भी लगाएंगे, वंदे मातरम भी बोलेंगे। हमसे तुमको देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगने का कोई हक नहीं है। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश जिस संकट की स्थिति में है, युवाओं को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, किसानों को, सबको लामबंद करना होगा, मजदूरों को एकजुट करना होगा और हम सबको इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़े बदलाव की लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए कि आज आम आदमी की राजनीति के आगे दूसरी पार्टियों की राजनीति, परिवारों की राजनीति हो गई है। इस आम आदमी की राजनीति से हमारे तमाम सामान्य घरों के लोग विधायक और सांसद बन के निकले, जिनके परिवार में कोई मंत्री नहीं था, जिनके परिवार में कोई विधायक नहीं था, मेरे भी परिवार में कोई ग्राम प्रधान भी नहीं था, लेकिन हम लोग राजनीति में आए। इस आम आदमी पार्टी की बदौलत आगे जाने का मौका मिला। इसलिए आज पूरे देश में आप चेहरा उठाकर देख लीजिए तो आपको चंद परिवार नजर आएंगे जो हिंदुस्तान की राजनीति पर कब्जा किए हुए हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का हिंदुस्तान की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए काश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम अजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, हुसैन चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानी मोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी और हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बिटवा राजीव, बिटवा संजय, बहू सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है जरा हमको बताओ, ये पार्टियां नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है। प्राइवेट Yeah.
हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने अपने संविधान में लिखा है एक परिवार से दो आदमी सांसद विधायक मंत्री नहीं हो सकता, देश की किसी भी पार्टी में नहीं था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए इस पार्टी के साथ जुड़िए, एक नए परिवर्तन के साथ जुड़िए, एक बदलाव की राजनीति के साथ जुड़िए। 70 सालों में आपने बहुत जाति और धर्म की राजनीति कर ली, अब कम से कम दिल्ली में जो हमारी सरकार चल रही है उसके काम को देखकर हमारे साथ जुड़िए। हम काम करने वाले लोग हैं साथियों, हम बदले में आपको रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा शिक्षा की बात करने वाले लोग हैं। हम धर्म के सौदागर नहीं हैं, हम नफरत के नाम पर हिंदुस्तान को बांटने वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। तो अंत में इन लाइनों के साथ ये पार्टी किस तरह से काम कर रही है कि दर्द के एहसास को सैर और सुखन तक ले चलो, दर्द के एहसास को सैर और सुखन तक ले चलो, और यह अदब को मुखलिसों के अंजुमन तक ले चलो, दर्द के एहसास को सैर और सुखन तक ले चलो, या अदब को मुखलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल मासूम के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो, उसको बेवा के माथे के सिकन ले चलो। हिंदुस्तान के अंदर एक बड़े बदलाव, एक बड़े परिवर्तन के लिए, इस नई क्रांति के लिए, इस दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए, इस बागी बलिया की धरती से इस आंदोलन में आपका साथ मांगता हूं, आपका समर्थन मांगता हूं, आपके साथ मिलकर हिंदुस्तान को बदलने का संकल्प लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई अमरेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें अतिथियों।